हमारे केदार भगवान के कपाट खुल गए। हमें जाने कपाट कब से खुलता है, क्यों खुलता है, भगवान कब से इस धरती में यहाँ आए, केदारनाथ से मनाने में क्या उद्देश्य है, ये हम पहला समझो। भगवान शिव का पंचमुख, भगवान शिव निराकार है, लिंग रूप है, वो संसार को, प्रकृति को, संसार को ये करने के लिए पांच रूपों में आया है। नमः शिवाय, ये सनातन का ध्वजा है। अभी तेल में डुबा है, मंदिर के अंदर दर्शन करा था मैं, ये घी में डुबा हुआ है, ठीक है। पहला वाला न, दूसरा म, तीसरा सी, चौथा हुआ पांचवा य, ठीक है। इसी के नाम पे पंचपीठ है, पंचपीठ है, कौन का है, काशी विश्वनाथ है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन महाकाल है, केदारनाथ है, और एक पीठ है सोमेश्वर, वो जगतगुरु उद्भव लिंग से प्रकट। बाबा जी झंडे के हिसाब से बताना कौन कहाँ कहाँ का है। अब देखो ये जो पहला है ना, ये ना स्वरूप है, पृथ्वी तत्व का ये करता ही है। कौन से मंदिर को, ये जगतगुरु रेणुकाचार्य त्रेता युग में सोमेश्वर लिंग से प्रकट है, पहला जगतगुरु। ये दारुका, ये उज्जैन महाकाल से, ये केदारनाथ, घंटा गणे उत्तराखंड में घंटा गणे कहता है, घंटाकरण गण है उसका, एक और रामाराध जगतगुरु। ये चौथा श्रीशैल मल्लिकार्जुन, एक मिनट, ये नमः शिवाय का, ये है भगवान का है, ये साइड में आओ, साइड में आइए, रहो साइड में, इधर देखो, ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का, ये काशी विश्वनाथ का विश्वकर्मा लिंग, पंच गण, पंच लिंग, पंच ही जगतगुरु। जगतगुरु क्यों कहा गया, पहला ये है कि जगतगुरु किसे कहते हैं, जगत का गुरु है शिव, शिव का पांच मुख, पांच सिंहासन, जैसे मोदी जी है, मोदी जी उतर गया तो दूसरा कोई भी पागल भी बैठे ना उसको प्रधानमंत्री कहा जाएगा, सिंहासन का नाम है ये, पांच सिंहासन है, नमः शिवाय। आ ये केदारनाथ पीठ है, जगतगुरु पीठ है, शिव जगत का गुरु है, उनके जो गद्दी में बैठता इस समय जगतगुरु भीम। ये बताओ कि जो एलिगेंसी ये लगा रहे हैं, क्या ये सच है क्या? शंकराचार्य, एक मिनट मैं बताता हूँ, और शंकराचार्य कहाँ से, शंकराचार्य जी का चार मठ चार धाम, श्रृंगेरी मठ, द्वारिका मठ, शारदा मठ, जोशी मठ, ठीक है, और चार धाम, रामेश्वरम, द्वारिका धाम, जगन्नाथ धाम और बद्री धाम, ये चार ही धाम। ये शंकराचार्य जी नारायण संप्रदाय के ये करते हैं, और शंकराचार्य जी अभी ये जो शंकराचार्य बोल रहे हैं ये पौराणिक उठ रहा, ये आज ही नहीं है, ये बहुत दिन से चल रहा, अगर नहीं होता बाकी शंकराचार्य का क्यों नहीं उठता, वो तीन पीठ के शंकराचार्य, उनके शंकराचार्य पे क्यों नहीं जा रहा कोई लोग, भाई तुम लोगों ने फर्जी किया, तो अगर ये लोग नहीं है तो सामने बैठ के इनके ये करो ना, निवारण करो, हाँ भाई 10 लोगों का कितना, 1000 लोगों को बुलाओ, पुलिस बुलाओ, फौजी बुलाओ, साधु बुलाओ, संत बुलाओ, मैं बना, ये शंकराचार्य नहीं है। अच्छा एक चीज बताना, इतिहास के हिसाब से ये बताया गया है कि जो ये मंदिर है पांडवों ने बनाया है, आदि शंकराचार्य जी कैसे आ गए इसमें? आदि शंकराचार्य दर्शन करने के लिए आए थे यहाँ मंदिर बनाने नहीं, आदि शंकराचार्य बनाया है मंदिर, पांडव कालीन मंदिर है ये, हाँ ये पांडव कालीन मंदिर है, छठी सदी का पांडव त्रेता द्वापर युग में, वो मंदिर जीर्णोद्धार कोई भी कर सकता है, लेकिन शंकराचार्य ने, शंकराचार्य बद्रीनाथ में जब बुद्ध लोगों ने, सुनो, जब बुद्धिस्ट लोगों ने बद्रीनाथ में बद्री मूर्ति का, नारायण का मूर्ति का फेंका था, वो मूर्ति स्थापित किया शंकराचार्य, केदारनाथ में उनका कोई है नहीं है, यहाँ कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, यहाँ बताया जाता है कि उन्होंने समाधि ली थी करके, नहीं ये भी झूठ है, तो ये भी कैसे बना दी, एक मिनट, शंकराचार्य की समाधि मैं बताता हूँ कहाँ है तुमको, उनकी जन्म कालडी केरल, वहाँ से 60-70 किलोमीटर 180 किलोमीटर दूरी पर वड़क्का मूल शिव मंदिर है, जिस मंदिर में उनके माँ बाप ने 60 साल शिव जी का आराधना करके उनको पाया था, वही है उनके अंतिम। यहाँ केदारनाथ में क्यों बनाया गया, ये इनके अलग अलग राजनीति वाले आए इनको पूछ के अपने आप बना रहे, ये गलत बात है। तो आपको क्या लगता है, जो ये अभी जो शंकराचार्य बता रहे अपने आपको, जो एलिगेंस लगाए गए हैं, देखो वो सच है क्या, ये शंकराचार्य जो बता रहे अभी अपने आपको, वो शंकराचार्य अभी गद्दी में विराजमान है, एक मिनट, जब तक इनका बात को निवारण नहीं होगा तब तक एक कोई उनको शंकराचार्य मान्यता नहीं देगा। बाबा जी ये बता रहे कि बद्रीनाथ में इन्हें 2 बार भगा दिया गया करके, जो बाबा अभी देखो, वो शंकराचार्य जी के ऊपर पावर है, अच्छा जनता है,
राजनीति है। ये गरीब आदमी तुम्हारे सामने आके नंगा खड़ा है रोड पे, उसको दर्शन करा रहा कोई? राजनीति वाले अभी उतर के हेलीकॉप्टर डायरेक्ट घुस रहे, वैसा वो है। आज धर्म राजनीति करण बनाया इन्होंने साहब। साफ साफ बात यह है कि जो पैसा का खेल है वही चल रहा है। हाँ, पैसा का खेल है वही चल रहा। मैं देश की जनता को अपील करता हूँ, हर तीर्थ को जानो, जान के हर तीर्थ में जो विद्वान बैठा रहता है उस तीर्थ पे उसको सम्मान करो, और कोई का सम्मान मत करो। मैं बोला ना, शंकराचार्य के सम्मान, शंकराचार्य ब्राह्मण कुल के होते हैं, अन्यथा किसी कुल को नहीं बनता। उनके लिए चार धाम चार ही मठ है, और जो पांच जगतगुरु है वो जंगम है, उनको उत्तराखंड में रावल की उपाधि है, वही रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत इधर उधर नहीं कर सकता। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, तो ये एलिगेंस लगा रहे हैं, अगर ये इनको सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि इन्हें मानेंगे रावल या फिर शंकराचार्य मानेंगे इनको? शंकराचार्य वो क्या, सारा देश का जनता मानेगा अगर ये सुप्रीम कोर्ट जीते हैं तो? आज हमारे लिए संविधान बड़ा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जिसका जीत होगा बड़ा होगा, उसमें क्या दिक्कत है? और इनके हिसाब से आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर दिखा रहे हैं ये सच हो सकते हैं? अब देखो, इनका कागज कीगज तो हमको तो उतना जानकार नहीं इस मामले में, बाकी चार समाज में बैठ के जो देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, वहाँ दोनों को ले जाओ पकड़ के और दोनों को ही खड़ा करो, और जो होगा आमने सामने। हाँ, तभी तो सत्य है ना, इसीलिए मैं देश की जनता को अपील करता हूँ, तुम मानो चार मठ चार धाम शंकराचार्य के अंडर में, शंकराचार्य जो बैठा उसको गुरु मानो, जो जगत का गुरु है, पांच शिवलिंग है, केदारनाथ श्रीशैल मल्लिकार्जुन काशी विश्वनाथ उज्जैन महाकाल जगत गुरु रेणुकाचार्य, हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूरी पर तेलंगाना पड़ता है सोमेश्वर लिंग कोल्लम्पा की, रिसर्च करो इसमें यूट्यूब में, ये पांच जगत गुरु, पांच पीठ, पांच गोत्र है इसमें, नंदी भृंगी श्रृंगी वृषभ स्कंद, पांच गण, रेणुका दारुका घंटा करना देनु करना विश्वकर्णा, इसके अलावा कोई नहीं है। इसे कहता शैव, शैव मत, शैव धर्म कहते थे, यही शैव पीठ है। ये शंकराचार्य पीठ अलग आता है और ये शैव पीठ में आता है, शंकराचार्य का अलग वर्णन है। चार धाम चार मठ में कोई भी शंकराचार्य अलावा बैठ नहीं सकता, पांच पीठ पांच मठ में जगत गुरु रावल या जंगम जो, इनके अलावा कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि सृष्टि दो है, एक शिव सृष्टि एक ब्रह्मा सृष्टि। ब्रह्मा सृष्टि को प्राकृत कहा गया, शिव सृष्टि को शुद्ध कहा गया है। यहाँ सूतक पातक नक्षत्र तिथि कोई मायने नहीं रखता, यहाँ यह बस सब समान है, यहाँ समान नागरिक है। यहाँ जहाँ छोटा हो बड़ा हो, कोई जाति कोई धर्म को, सब मंदिर के अंदर घुस जाता है। तुम दूसरे मंदिर में जाता है क्या, मूर्ति को छूता है क्या? ये शिव का धरती है, ये शिव का है, इसीलिए शिव जगत का गुरु है। मैं सभी देशवासियों को छोटे से बड़े, जो भगवान शिव इस संसार को बताने के लिए अपने आप को गुरु रूप में परिवर्तन हुआ, गुरु रूप आके जगत का गुरु बन के गुरु ज्ञान दिया, इसीलिए तुम गुरु परंपरा का, गुरु धर्म का, शिव धर्म का पालन किया, शिव कृपा होगा। तुम कहीं भी रहो, वहाँ रहेगा तभी प्राप्त होगा, यहाँ राजनीति करके आए तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं एक नारा लगाता हूँ, नारा लगाओ मेरी बात समाप्त हो, बोलो केदारनाथ भगवान की, बोलो कैलाश पति की, बोलो आज जगत गुरु एकाराम अरुद्ध शिवाचार्य की, जगत गुरु भीमा शंकर लिंग शिवाचार्य की, नमः पार्वती पते हर हर।